ओके सो पोस्टर डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले नॉर्मली तीन जो हैं वर्ड्स या टर्म्स यूज़ हो रहे होते हैं, पोस्टर, फ्लायर और ब्रोशर। इन वर्ड्स को थोड़ा समझिएगा, अगर आपके माइंड में कोई डिफरेंस है इनके दरमियान तो वो भी बताएं मुझे कमेंट्स के अंदर कि पोस्टर, फ्लायर और ब्रोशर में क्या फ़र्क है। इसके अलावा क्लाइंट अक्सर औकात इनको मिक्स भी करता है, पोस्टर को, फ्लायर को और ब्रोशर को, सो इसलिए आप लोग क्लियर होना चाहिए और क्लाइंट से आप पूछ भी सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। आप उसको इमेज सेंड करोगे कि क्या आप इसको फ्लायर कह रहे हो या ब्रोशर कह रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ वहाँ पे आपके क्लियर हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपको इन तीनों टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस पता हो कि पोस्टर में, फ्लायर में और ब्रोशर में फ़र्क क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले पोस्टर जो होता है आपका, पोस्टर के अंदर वन साइडेड डिज़ाइन होता है, यानी कि डिज़ाइन सिर्फ एक साइड पर होता है, पिछली साइड जो होती है वो ब्लैंक होती है अगर वो उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है? नॉर्मली पोस्ट अगर वो कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर तो वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर वो प्रिंट कर रहा है, इन तीनों चीज़ों को हम प्रिंट की उसमें देखेंगे, तो अगर वो पोस्टर को प्रिंट कर रहा है तो पोस्टर की जो बैक साइड होगी वो प्लेन होगी, वो खाली होगी, क्योंकि वो वॉल पर लगेगा तो उसकी बैक साइड का फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ वन साइड होता है, ठीक है, पोस्टर जो होगा। और सेकेंडली पोस्टर में कॉन्टेंट कम होता है, टेक्स्ट कम होता है, ठीक हो गया? उसमें जस्ट बेसिक समरी दी होगी किसी भी चीज़ की, और जो भी आगे डिटेल्स होंगी वो किसी कॉल टू एक्शन पे, किसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगी, ठीक है? उसके बाद फ्लायर जो है, फ्लायर नॉर्मली डबल साइड होता है, उसकी दो साइड्स होती हैं, और इसके अलावा ट्राई फोल्ड फ्लायर होते हैं, इसमें तीन फोल्ड होते हैं जो कि हम लोग कमिंग वीक में डिज़ाइन भी करेंगे। तो जो फ्लायर होता है उसमें कॉन्टेंट थोड़ा ज़्यादा होता है पोस्टर के नस्बत। फ्लायर एक पर्सन को उसके हाथ में पकड़ाया जाता है, उसके हाथ में दिया जाता है, पोस्टर जो है वो वॉल पर पोस्ट किया जाता है, तो जो पोस्टर होता है उसमें फॉन्ट साइज़ बड़ा होता है क्योंकि उसको दूर से देखा जा रहा है। फ्लायर का फॉन्ट साइज़ छोटा होता है क्योंकि उसको एक शख्स ने हाथ में पकड़ा हुआ है, और इसके अलावा फ्लायर में कंटेंट भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो डबल साइड होता है, उसकी दो साइड्स होती हैं। इसके अलावा जो ब्रोशर है वो थोड़ा सा बुक की तरह या मैगजीन की तरह से मल्टीपल पेजेस होते हैं, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि फ्लायर के अंदर आप मल्टीपल पेजेस ऐड करते जाओ, एक कैटलॉग जैसा बना लो तो वो ब्रोशर बन जाते हैं, ठीक है? इनके मैं एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। ये आपका एक पोस्टर है, ठीक है, इसकी जस्ट वन साइड है, इसके अंदर कॉन्टेंट ज़्यादा नहीं है, जस्ट हेडिंग दी हुई है और नीचे उसने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। कॉल टू एक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया कि वेबसाइट, फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह को कॉल टू एक्शन कहा जाता है, कि कहाँ पे आपने कॉल करनी है, मज़ीद डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी। तो हमेशा आपको जब कोई चीज़ बताई जाती है तो उसके एंड पे आपको कॉल टू एक्शन दिया जाता है कि आपने ये एक्शन परफॉर्म कहाँ करना है, ठीक है? अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई काम है तो आप कहाँ पे एक्शन परफॉर्म करोगे, या क्या आप फ़ोन करोगे, क्या डिटेल्स लेने के लिए किस तरह से आप कांटेक्ट करोगे, ठीक है? उसके अलावा नॉर्मली जो पोस्टर होते हैं वो इवेंट्स वगैरह के होते हैं, वो इवेंट किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है? कोई एक्सपो है, इसके अलावा वर्कशॉप है, कोई म्यूज़िक पार्टी है, कुछ भी इस तरह की चीज़ है, तो वहाँ पर नॉर्मली उसके डेट, उसका टाइम होगा, उसका एड्रेस होगा, और एंड में उसकी टिकट्स कहाँ से मिलेंगी वो चीज़ होगी। तो नॉर्मली ये कुछ चीज़ें हैं जो तमाम आपके जो पोस्टर होते हैं उसमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है? इसके अलावा जो फ्लायर होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ट्राई फोल्ड फ्लायर का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि इसकी फ्रंट और बैक दोनों बनती हैं, ठीक है? मैं आगे चल के बताऊँगा कैसे डिज़ाइन करते हैं इसको। इसमें थोड़ी सी ट्रिक होती है इन्वॉल्व, जिसकी वजह से आपका ये ट्राई फोल्ड फ्लायर का आर्ट बोर्ड क्रिएट होता है, तो वो समझाऊँगा आपको। अक्सर लोग ये काम नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल में इसका आर्ट बोर्ड क्रिएट कैसे होगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास ये ब्रोशर है, ठीक है? ब्रोशर जो है नॉर्मली बुक की तरह होता है, बुक में तो पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको समझ लें कि एक लाइट मैगजीन है जिसमें 5 से 6 पेजेस तक नॉर्मली जा रहा होता है, ठीक है? इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डिटेल में टेक्स्ट दिया होता है। ये ब्रोशर जो है नॉर्मली इवेंट्स का भी बनता है, हर स्पीकर के आपके डिटेल्स होती हैं इसके अंदर, इसके अलावा कौन सी चीज़ कब होगी, पास्ट में हमने किस तरह के इवेंट कब किए थे, उसके अलावा कंपनीज होती हैं अपने ब्रोशर्स बनवाती हैं, जिस तरह के वो अपने पोर्टफोलियो वगैरह के लिए कैटलॉग क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे मार्बल लेने गए हैं, ठीक है, उन्होंने अपने मार्बल स्टाइल्स के लिए या डिफरेंट फ्लोरिंग के लिए उन्होंने अपने स्टाइल्स बनाने के लिए वो एक ब्रोशर आपको दे देंगे, उसके अंदर मल्टीपल स्टाइल्स होंगे, जो आपको पसंद होगा आप वो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है? फर्नीचर लेने जाते हैं, उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया होता है, ब्रोशर क्रिएट किया होता है, तो वहाँ पर नॉर्मली इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो ये चीज़ बनवाती हैं, ठीक हो गया? उसके बाद कुछ टिप्स हैं, ये आप लिख लीजिएगा। पोस्टर डिज़ाइन की याद रहे, पोस्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ है। आप अगर फाइवर के ऊपर से गिग क्रिएट करते हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली आपको बहुत जल्दी ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, और उसके क्लाइंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर कंपनी ऑलमोस्ट कहीं ना कभी कभी ना कभी पोस्टर्स बनवा रहे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और मैं यहाँ पर डिफरेंट ट्रिक्स दी हुई हैं कि आप किस किस किस्म के पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हो, 7 सैम्पल्स भी दिए हुए हैं, हम उनको भी डिस्कस करते रहेंगे।
तो पोस्टर्स की कोई एक कैटेगरी नहीं है कि आप एक ही तरह के पोस्टर्स बनाओगे, हम साथ सैंपल देखते रहेंगे और अपनी स्किल से जिस हद तक हम अच्छे पोस्टर बना सके वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज़ जो पोस्टर डिज़ाइन में आती है वो ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो पोस्टर है उसका जो टेक्स्ट है वो दूर से पढ़ा जा सके। तो कोशिश ये होती है कि अगर आपके पोस्टर का साइज़ A4 है तो उस पर 18:20 का फॉन्ट या इससे बड़ा यूज़ किया जाए, इससे छोटा ना यूज़ करें। ठीक है, अगर इससे छोटा यूज़ करेंगे तो वो दूर से पढ़ना मुश्किल है। दूर से क्यों पढ़ना मुश्किल है? क्योंकि आपका जो पोस्टर है वो नॉर्मली वॉल पे पोस्ट हो रहा होता है, तो उस सिनेरियो में अगर कोई दूर से पढ़ेगा तो उसको चीज़ समझ नहीं आएगी और बहुत करीब आना पड़ेगा। नॉर्मली करीब आना पॉसिबल नहीं होता, किस तरह की वॉल पर लगा हुआ है या किसी ग्रीन बोर्ड पर लगा हुआ है जहाँ पर ज़्यादा करीब नहीं जा सकता बंदा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो 20:22 इस तरह रखा जाए, जो मिनिमम फॉन्ट साइज़ है। बड़ा जो हेडिंग होती है वो तो ऑब्वियसली बड़ी होगी, लेकिन जो नॉर्मली नीचे ड्रिल्स ही हुई हैं उसमें कोशिश करेंगे कि वो इतनी क्लियर हो के पढ़ी जा सके। ठीक हो गया। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, आप इसमें मुझे देख के बताएं आपको इसमें क्या समझ आ रही है और ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, पोस्टर किस बारे में है? इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि यहाँ पर ये पोस्टर किस चीज़ का बना हुआ है और ये क्या हो रहा है। ओके जी, ग्राज सेल का ये पोस्टर है। ठीक है, इस पर अगर हम टेक्स्ट देखें तो उसने लिखा हुआ है कि ह्यूज मल्टी फैमिली ग्राज सेल। पहले बता दूँगा ग्राज सेल क्या होता है। यूरोप और अमेरिका के अंदर एक ट्रेंड है कि वहाँ पे जितने भी आपके पुराने चीज़ें होती हैं जो आप नॉर्मली घर में यूज़ नहीं कर रहे होते तो वो आप लोग एक दिन रखते हैं अपने नेबरहुड के अंदर, अपनी गली में या जो भी उनका एक नेबरहुड होता है वहाँ पर कोई भी वीकेंड रख लिया जाता है और उस वीकेंड पर अपनी जितनी भी चीज़ें पुरानी होती हैं वो अपने गराज में या अपने लॉन में रख देते हैं और लोग उसको परचेज़ करते हैं। डिफरेंट नेबरहुड से लोग आते हैं वहाँ पर, उनको पता चलता है जी उस महल्ले में जो है गराज सेल लगनी है तो माइट भी हमारे काम की कोई चीज़ वहाँ से मिल जाए। वहाँ पे चीज़ें एक्सचेंज भी कर सकते हैं आप, चीज़ें परचेज़ भी की जा सकती हैं। तो मल्टीपल इस तरह की गराज सेल होती हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है। हम पहली चीज़ तो ये है कि वो हम लोग पुरानी चीज़ कोई भी निकालते नहीं घर से कि ये कल को काम आ जाएगी, वो 10 साल पड़ी रहती है उसका काम नहीं आता। सेकेंडली, हमने कोई और इस तरह की चीज़ निकल भी आती है जो हमने देनी हो या बेचनी हो तो हम वो 3 डब्बे वाले का वेट करते हैं कि वो आएगा तो हम उसको भेज देंगे। तो यहाँ पे उस तरह का ग्राज सेल का कॉन्सेप्ट नहीं है और ना हमारे ग्राज इतने बड़े होते हैं कि हम इस तरह की प्रॉपर ग्राज सेल लगा सकें। हाँ, जो बाहर हैं वहाँ पे यही चीज़ है कि वहाँ पे 3 डब्बे वाले नहीं आते तो वो फिर आपस में चीज़ें बेच के गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्राज सेल में किस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर उन्होंने नीचे थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं कि कोई स्क्रीन प्रिंटेड पोस्टर्स हैं, कोई बच्चों की चीज़ें हैं, कोई काउच वगैरह हैं। ठीक है, इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपके टेप रिकॉर्डर्स वगैरह जो पुराने पड़े होते हैं जो यूज़ नहीं करते लोग, तो वो इस तरह की चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इस डिज़ाइन के अंदर हम देखें तो ये एक एरो बना हुआ है जो कि एरो लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इस एरो को कम्प्लीमेंट कर रहा है और इसने यहाँ पर ग्राज की शेप क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो ये पोस्टर ऐसा है जिसमें मुश्किल कुछ नहीं है। अगर ये टेक्स्ट देखें आप तो ये फॉन्ट है जिसको काफ़ी ज़्यादा कंडेंस्ड फॉन्ट है। ठीक है, इस तरह का फॉन्ट आप लोगों को 1001 से मिल जाएगा। ठीक है, कंडेंस्ड फॉन्ट है काफ़ी और बाकी नीचे टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ उसमें। ठीक है, ये उसको सिंपल उसने आउटलाइन करके इस तरह से थोड़ा एज दिया हुआ ताकि वो ग्राज की फील आए इसके अंदर से, बाकी जो सिंपल टेक्स्ट वगैरह इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह की जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं कोशिश करते हैं कि बड़े करके दिखाएं ताकि जो पढ़ने वाला है वो ईजिली समझ सके कि ये पोस्टर किस बारे में। हमेशा जो हेडिंग होती है वही मेन चीज़ होती है, उसी को पढ़ के पता चलता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे और ये पोस्टर किस चीज़ का। ठीक है, अगर किसी के माइंड में ये सवाल या ये चीज़ आ रही है कि ह्यूज का जो इसने वर्ड लिखा हुआ ये सिंपल टेक्स्ट को पकड़ के स्ट्रेच करके ऐसे किया हुआ है तो ये माइंड से निकाल दें अपने बात, ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉन्ट इस तरह का है। ठीक है, इसके अलावा आउटलाइन करके भी इसको एज कर सकते हो, लेकिन उससे आपका जी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, एच यू और ई क्रिएट हो जाएगा लेकिन जी उस तरह आउटलाइन से क्रिएट नहीं होगा, तो इसलिए ये फॉन्ट इस तरह का यूज़ किया हुआ है उसने, ये पकड़ के स्ट्रेच नहीं किया हुआ। अगर आपके माइंड में ये है कि जी ये तो स्ट्रेच हुआ है हमें सर स्ट्रेच नहीं करने देते, तो आप स्ट्रेच करके देख लीजिएगा, इस तरह की चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, उसके अलावा आपने साइज़ एंड लोकेशन ज़रूर देख लेना है। क्लाइंट से आप पूछ सकते हो कि आप इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर यूज़ करेंगे या आप इसको प्रिंट करवाएंगे, किस साइज़ में प्रिंट करेंगे, तो वो चीज़ आप पूछ लें। पोस्टर का जो स्टैंडर्ड साइज़ है नॉर्मली A4 में होता है, लेकिन इसके अलावा लेटर साइज़ या और बड़े साइजेस भी होते हैं। ठीक है, कोई एक साइज़ रख नहीं दिया गया कि इसके अलावा जो चीज़ होगी वो पोस्टर कंसीडर नहीं होगी, पोस्टर बड़े साइज़ में भी होते हैं। सो इसलिए कोशिश ये करेंगे क्लाइंट से एक दफ़ा पूछ लें कि आप जो प्रिंट करने जा रहे हो उसका साइज़ क्या है, फिर उसी साइज़ का आर्टबोर्ड क्रिएट करें और उसी में डिज़ाइन करें। ठीक हो गया। उसके अलावा एक बड़ी अच्छी अप्रोच होती है कि आप लोग कोई एक विजुअल यूज़ कर लेते हो, ग्राफिक बड़ा सारा यूज़ कर लेते हो
जो ग्राफिक पूरे आपके मैसेज को कन्वे कर रहा हो, ठीक है। कोशिश ये होती है कि जो भी आप इमेज यूज़ कर रहे हैं, जो भी ग्राफिक यूज़ कर रहे हैं, वो इतना क्लियर हो कि आप देखने वाला फ़ौरन से बता दे कि ये पोस्टर जो है ये इस बारे में। यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो फ़ौरन से ग्राफिक देखते हैं पता चल रहा है कि यहाँ पे म्यूज़िक की बात हो रही है, ठीक है। उसमें म्यूज़िक आइकन्स जो थे वो उसके इर्द गिर्द यूज़ किए हैं और सेंटर में उसने सिंपल टेक्स्ट बताया हुआ, ठीक है। तो इसलिए आप कोई ऐसा ग्राफिक यूज़ करते हो कि फ़ौरन से देखने वाले को पता चल जाए कि ये जो डिज़ाइन है, ये जो पोस्टर है, ये किस बारे में। इसने यहाँ पे जैज़ से रिलेवेंट जितने भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उसने सारे यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। ओके, मैं डिज़ाइन पे थोड़ा सा रुकता होता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको अब्जॉर्ब करो, थोड़ा सा देखो, कलर सिलेक्शन देखो, उसकी फॉन्ट सिलेक्शन देखो, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद एक और ये आप डिज़ाइन देखें अगर, ठीक है। इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है कि उसने दो जो शहर थे उन दोनों को दिखाया हुआ है, और मलेशिया एयरलाइन जो है वो आपको यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है, और इसके अंदर उन्होंने सिडनी एक तरफ दिखाया हुआ और एक तरफ लिंगनाकावी आई गेस का नाम है एग्जैक्टली, तो उन दोनों को उसने यहाँ पे शो किया हुआ है, और दोनों के जो एक तरह से लैंडमार्क हैं उनको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब इसको देखें तो ये कम्प्लीट इलस्ट्रेशन है, माइट भी सारे बच्चे ना कर सकें, लेकिन जो चीज़ समझने वाली है वो सिर्फ ये है कि किस तरह से वो ग्राफिक को यूज़ करते हुए चीज़ दिखा रहा है। आपको फ्री पिक के ऊपर से सिडनी की इस तरह से इलस्ट्रेशन मिल जाएगी, कोई और आप सिटी यूज़ करें उसकी इलस्ट्रेशन मिल जाएगी। कोई बता सकता है कि इसने इसको इन्वर्ट क्यों किया हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट भी उल्टा लिखा हुआ है, क्या वजह हो सकती है इसकी। ये जो सिटी है ये आपके मलेशिया का है, अगर किसी को ना पता हो, ये आपके मलेशिया में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये क्यों उल्टा क्यों लिखा हुआ है इसने, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि आप लोग इसको उल्टा क्यों किया उसने। नॉर्मली जो ऑस्ट्रेलिया है वो समझा ये जाता है कि वो उल्टा है और वो एक तरह से इन्वर्टेड है, ठीक है। दुनिया में एक ये ह्यूमर है, एक मजाक किया जाता है कि सिडनी में और ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया में हर चीज़ उल्टी है, तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा उन्होंने डिपिक्ट करने के लिए ये चीज़ उल्टी लिखी हुई है, ठीक है। इट्स फाइन अगर आपको ये चीज़ नहीं पता था, ओके। उसके बाद ये एक मूवी पोस्टर है, आगे फ्यूचर में चल के मूवी पोस्टर भी डिज़ाइन करेंगे। इस पोस्टर को अगर आप ब्रेक डाउन करो, थोड़ा सा समझो कि ये कैसे बना हुआ है, अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे ये पोस्टर बड़े आराम से बन सकता है, लेकिन आप खुद थोड़ा सोचें कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें बन रही हैं और ये कैसे बनाया गया। अगर आप इसको थोड़ा सा देखो कि जो मेन करेक्टर है मैट डेमन, ठीक है, उसका उन्होंने पहले बैकग्राउंड रिमूव करके लगा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद उसके अंदर उन्होंने लाइन्स क्रिएट की बैकग्राउंड के कलर की, जो बैकग्राउंड का उन्होंने कलर रखा हुआ है उसी कलर की उन्होंने यहाँ पे लाइंस क्रिएट कर दी। अब उन लाइंस के अंदर कुछ इस तरह के ग्रिड्स क्रिएट हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट हो रहे हैं। उनमें से एक बॉक्स के अंदर उसने ओवरले लगा दिया रेड कलर का, एक बॉक्स के अंदर उसने एक और कैरेक्टर का इमेज ऐड कर दिया और उसको बिल्कुल क्लिप किया उस साइज़ के अंदर, ठीक है। सेम उस तरह से एक और इमेज का उसने यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ प्लेस किया हुआ है। सेम उस तरह से जो सात फीमेल करेक्टर है, ठीक है, उसका उसने बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ प्लेस किया हुआ है। तो अगर डिज़ाइन को आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये चीज़ बन सकती है, ठीक है। आप चाहो तो खुद से अपने इमेज के साथ भी ये चीज़ बना सकते हैं कि अपने एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करें और बाकी जो आपकी पिक्चर्स हैं उसको इस तरह से आप लोग प्लेस कर सकते हैं। ये सिंपल यहाँ पे उसने लाइंस क्रिएट की हुई हैं बैकग्राउंड के साथ, ये इमेज कट नहीं हुआ, ये फील इस तरह की आ रही है कि ये कटिंग हुई हुई है लेकिन इसके अंदर कटिंग नहीं हुई हुई, ठीक है। लेकिन देखने में ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। आगे चल के आप लोग इसी वीक में नहीं बल्कि अपकमिंग वीक के अंदर हम मूवी का पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और आप लोगों को उसमें जो असाइनमेंट है वो भी दी जाएगी, तो उसमें देखेंगे कौन कितनी मेहनत करता है और कौन कितनी डेज ऐड करता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक यहाँ पे डिज़ाइन है, ठीक है, ये फोटोशॉप का इफेक्ट दिया हुआ है। मैं आप लोगों के साथ वीडियो एक शेयर करूँगा, बल्कि वीडियो नहीं लिंक शेयर करूँगा जिसके अंदर 100 फोटोशॉप के इफेक्ट्स होंगे। हम सारे तो इस बैच में नहीं पढ़ सकते क्योंकि फोटोशॉप का एक इफेक्ट आपने अगर सीख लिया तो वो हर जगह पर आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं आपको 100 इफेक्ट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा जिसके अंदर इस तरह के इफेक्ट्स होंगे, जिसकी वीडियोज़ आप देख के अपने मर्ज़ी का इफेक्ट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। बाकी मेन चीज़ जो समझने वाली है कि यहाँ पे ये स्पोर्ट्स से रेलिवेंट, क्योंकि इसने ओवरऑल डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है तो उसी तरह का उसने फिर यहाँ पे टेक्स्ट भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर हम फॉन्ट देखें तो इसमें स्पोर्ट्स फील आ रही है, आपको इस तरह के फॉन्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। और बाकी जो इफेक्ट वगैरह है वो आप लोगों के साथ में वीडियोज़ शेयर कर दूँगा, वो 100 वीडियोज़ हैं, उसके अंदर मल्टीपल फोटोशॉप के इफेक्ट्स बताए हुए, जो भी आपका इफेक्ट पसंद आता है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने अपना जो पोस्टर क्रिएट करना है उसके अंदर हमेशा कॉल टू एक्शन ऐड करना है। तमाम पोस्टर्स के अंदर कॉल टू एक्शन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर दिया होता है। कॉल टू एक्शन जो है उसको मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है, वेबसाइट
फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इनको कॉल टू एक्शन कहा जाता है कि अब मैंने पोस्टर पढ़ लिया है, मैंने एक्शन परफॉर्म करना है, क्या एक्शन परफॉर्म करूँगा, कहाँ पर करूँगा, तो वो उसके लिए हम लोग जो है अपने ये जो कॉल टू एक्शन हैं यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो कोई बता सकते हैं इसके अंदर कॉल टू एक्शन कहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग टाइपोग्राफी से भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, टाइपोग्राफी फोकस क्रिएट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है अगर आपके पास कोई इलस्ट्रेशन नहीं है या कोई भी आपके पास माइंड में ग्राफिक नहीं आ रहा या आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप टाइपोग्राफी के साथ प्ले करके इस तरह की चीज़ बना सकते हैं। अब अगर ये देखें तो इसमें बड़े लोगों की राय होती है कि ये ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में चीज़ बनाई हुई है लेकिन सारा कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टाइपोग्राफी के ही बारे में बात करें तो उन्होंने टाइप के साथ थोड़ा सा प्ले किया हुआ, चीज़ें बिखरी हुई ज़रूर हैं लेकिन स्टिल उनका किसी न किसी के साथ रिलेशन बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने एक वुमेन का ग्राफिक क्रिएट किया और उसके बाद टॉप पे उसका क्राउन क्रिएट किया हुआ ग्राफिक के साथ, और डिज़ाइन के लिए उसका यहाँ पर नेकलेस बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उसके फेस के बिल्कुल साथ साथ अलाइनमेंट किया उन्होंने यहाँ पर, बाकी अपने जो उनके इवेंट्स हो रहे हैं या वर्कशॉप्स जो हो रहे हैं टाइपोग्राफी की, कलर थ्योरी की, पब्लिकेशन की, लेआउट की, वो तमाम जो हैं वो उन्होंने उसी के साथ डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, और नीचे उन्होंने का बाकी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो मेन जो चीज़ देखने वाली है कि हमें फील ये आ रही है कि हर चीज़ बिखरी हुई है, लेकिन चीज़ बिखरी नहीं हुई, वो किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। बाकी आप लोग ये पोस्टर रेगुलर बनाते रहते हैं, आप लोगों का हर पोस्टर होता है उसमें ऐसी फील आ रही होती है, हर जो डिज़ाइन होता है उसमें ऐसी फील आ रही होती है, वैसी चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो ये चीज़ आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं है। खैर, इसमें देखें ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट है आप लोगों के जो नॉर्मल आप लोग डिज़ाइन देख रहे होते हैं उससे, ये काफ़ी डिफरेंट है। इसमें हाइपर एक्टिव किड लिखा हुआ है, ठीक है, और क्रिएटिव की भी फील आ रही है क्योंकि उसने स्पेलिंग्स को इस तरह से बिखरा बिखरा सा बनाया हुआ है। तो देखने वाली सिर्फ ये चीज़ है कि आप लोग टाइपोग्राफी के साथ इस तरह से प्ले कर सकते हो। आगे मैं मज़ीद आप लोगों को डिज़ाइन दिखाता हूँ जिसमें और टेक्स्ट को थोड़ा बेहतर लिखा हुआ है। यहाँ के जो हमारे ऑडियंस हैं माइट भी उनको ये डिज़ाइन समझ ना आए, बट देखने वाली चीज़ सिर्फ ये है कि टेक्स्ट के साथ वो किस तरह प्ले कर रहे हैं। ऑल्दो किसने यहाँ पे हाइपर एक्टिव किड को बिखरा हुआ लिखा हुआ है, लेकिन उसने दोबारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अंदर दोबारा लिख दी है कि ये चीज़ किस बारे में, ठीक है, उसके उससे रेलिवेंट ग्राफिक क्रिएट किया हुआ है। उसके अलावा ये देखें, ये उसने कस्टम टाइपोग्राफी की हुई है, यानी कि अगर किसी को कैलीग्राफी आती है तो वो इस तरह की चीज़ क्रिएट कर सकता है। अगर आती है, अगर नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, आप ये चीज़ ना बनाओ, कोई और चीज़ क्रिएट कर लें, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि उसने यहाँ पे देखें दी सिएटल इस्तांबुल पोस्टर शो लिखा हुआ है, और यहाँ पर उसने सिएटल की जो टी हैं उन दो टी को उसने ऊपर नीचे इस तरह से क्रिएट किया हुआ है, उसके अलावा इस्तांबुल लिखा हुआ है और उसके बाद पोस्टर शो। ठीक है, तो ये कैलीग्राफी का किसी को आइडिया है या कोई डेली बेस पे करता है जिसको शौक है, वो ये चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, हमारा जो कलर सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी क्रिएट कर रही होती है और बता रही होती है कि इस पोस्टर में किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ यहाँ पे क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है। तो इसमें देखें, जस्ट कलर्स को देखिएगा कि कलर किस तरह से क्रिएट किए हैं उसने। ये सिंपल एक विग पार्टी है जहाँ पर डिफरेंट विग्स लगा के लोग आएंगे। ठीक है, तो उसने वहाँ पर कोशिश ये की है कि उसको एक वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करें और कलर से ही एक ओवरऑल पार्टी की फील आ रही है, जॉय की फील आ रही है कि यहाँ पे फन होगा। ठीक है, तो उस तरह की एक फील क्रिएट करने के लिए उन्होंने इस तरह के वाइब्रेंट कलर्स को यूज़ किया हुआ है, ब्राइट कलर्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये समर की फील के लिए उसने स्काई ब्लू और ये सन का येलो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी ओवरऑल आपका मैसेज होगा, जो भी ओवरऑल आपका एक पोस्टर का आप डिज़ाइन क्रिएट करोगे, सिर्फ देख लीजिएगा कि ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, फिर उसी तरह का आप कलर यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह का आप पैलेट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विजुअल हायरार्की हम क्रिएट कर रहे होते हैं। कोई बता सकते हैं विजुअल हायरार्की क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इसको विजुअल हायरार्की को कोई डिफाइन कर सकता है। विजुअल हायरार्की किसको कहते हैं? विजुअल हायरार्की में दो वर्ड्स हैं, विजुअल और हायरार्की। हायरार्की जो होती है आपकी डोमिनेंस को शो कर रही होती है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी उससे कम इंपॉर्टेंट और कौन सी चीज़ सबसे कम इंपॉर्टेंट है, उसमें हायरार्की को कहा जाता है। विजुअल का मतलब यह है कि देखने के लिहाज से हायरार्की क्रिएट हो रही हो, यानी कि हमने कौन सी चीज़ पहले दिखानी है या कौन सी चीज़ दिखानी ज़रूरी है, इसको विजुअल हायरार्की कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर साथ साथ आप एग्जाम्पल्स देखते जाओगे। यहाँ पर दोबारा से एक फूड फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर क्रिएट किया उन्होंने, ये चार्ली चैपलिन की उन्होंने कैप क्रिएट की हुई है। ठीक है,
और नीचे उन्होंने उसी की जो मुस्टैश है उसको यूज़ किया हुआ है, और साथ में फिल्म का एक उन्होंने ग्राफिक यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे आईज़ और नोज़ क्रिएटर के उन्होंने फूड फिल्म फेस्टिवल लिखा हुआ है। ये चीज़ हमारे डोमिनेंट है, हमें सबसे पहले ये चीज़ नज़र आती है, उसके बाद ये क्या है कहाँ हो रहा है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट जो भी न्यूयॉर्क शिकागो जहाँ पर भी उनकी फेस्टिवल होंगे उसकी डेट वगैरह यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो चीज़ समझने वाली ये है कि आपका जो हायरार्की है वो हमेशा आपकी डोमिनेंस से क्रिएट होता है, आपके विजुअल इफेक्ट से क्रिएट हो रहा होता है कि पहले आप कौन सी चीज़ दिखाना चाह रहे हो फिर एंड में कौन सी चीज़ दिखाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद इसमें देखें अगर हम लोग तो ये भी विजुअल हायरार्की है, इसके अंदर भी 2019 का उन्होंने न्यू ईयर का पोस्टर क्रिएट किया हुआ है कि काउंटडाउन होगा, कोई पार्टी है उनके सिंपल वहाँ पे उन्होंने एक पोस्टर क्रिएट किया हुआ कि 2019 तक हम लोग काउंटडाउन करेंगे, जो भी इस तरह की नॉर्मली न्यू ईयर पार्टीज़ वगैरह होती हैं उसका एक पोस्टर है। तो उसमें उन्होंने क्लॉक का एक यहाँ पे ग्राफिक ऐड किया हुआ है, साथ में 2019 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अब कोई भी मेजर ग्राफिक इसके अंदर नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो देखने वाली वो अलाइनमेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो और बाकी हर जो टेक्स्ट है वो दूसरे के साथ हायरार्की के अंदर है, टॉप पे एक बड़ा यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद फिर छोटा है फिर छोटा, तो हर जो टेक्स्ट है अपनी डोमिनेंस शो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल हायरार्की। ठीक है, ओके, उसके बाद नेगेटिव स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव स्पेस आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी किया है इसको, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आप नेगेटिव स्पेस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये फूड एंड वाइन का एक सिंपल उन्होंने पोस्टर क्रिएट किया हुआ है, और ये पोस्टर 2007 का है। ठीक है, आज से 13 साल पुराना, लेकिन स्टिल इसका डिज़ाइन जो है वो टाइमलेस डिज़ाइन है, आज भी उस तरह का डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें इसमें नेगेटिव स्पेस क्यों यूज़ की हुई है। नेगेटिव स्पेस का फ़ायदा ये है कि आप एक ग्राफिक के अंदर दो डिज़ाइन दिखा रहे हैं। ठीक है, और दो चीज़ें दिखा सकते हैं आप, उसने फोक भी दिखा दी है, यहाँ पे बॉर्डर्स भी दिखा दिए हैं, ग्राफिक सिर्फ एक ही यूज़ किया है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग डिफरेंट शेप्स यूज़ कर सकते हैं विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। डिफरेंट शेप्स का मतलब ये है कि डिफरेंट ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, उसकी मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, यानी कि आप आइकन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। इस पोस्टर को देखें और मुझे बताएं कि ये क्यों अच्छा नहीं है। अच्छा, इस पोस्टर से मुझे इख्तलाफ सिर्फ इस बात के ऊपर है कि ये पोस्टर जो है वो स्पोर्ट्स रेलिवेंट है, तो इसके अंदर कोई स्पोर्ट्स की फील आनी चाहिए थी, थोड़ी मूवमेंट होती, थोड़ी अग्रेसिव एक अप्रोच होती तो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि बहुत लाइट ग्राफिक्स यूज़ किए गए। ठीक है, लेकिन माइट भी इसकी वजह ये भी हो सकती है। ठीक है, कि इसको थोड़ा सा लाइट इसलिए रखा गया है कि हो सकता है कि इसका कोई पूरा इवेंट हो जिसमें पूरे इवेंट की ब्रांडिंग ही इस तरह की हुई हो। ठीक है, उसमें जस्ट उन्होंने स्पोर्ट फेस्टिवल जो था उसको भी उसी ब्रांड के अंदर फॉलो किया गया है, या ये जो है ये कैंसर फाउंडेशन के लिए है, तो माइट भी उसके वजह से थीम लाइट रखी गई है। आई एम नॉट श्योर क्या वजह थी, लेकिन जो टॉपिक है उसके लिहाज से ये थीम जो है वो उसको कंप्लीमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, जहाँ पे बास्केटबॉल की, अमेरिकन फुटबॉल की, सॉकर की बात हो रही है, तो वहाँ पर इसमें थोड़ा सा एग्रेशन होना ज़रूरी था। उसके अलावा ये अगर देखें आप, तो हम बात करते हैं कि आप शेप्स के अंदर चीज़ों को फिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसने डायमंड शेप के अंदर टेक्स्ट को फिट किया हुआ है बगैर स्ट्रेच किए। अगर आप गौर से देखें तो एक भी यहाँ पे जो उसने टेक्स्ट यूज़ किया वो स्ट्रेच नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप लोग डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, कोई भी इंस्पायरेशन ले लें, कोई भी चीज़ क्रिएट करें, तो कोशिश करें कि उसके अंदर कहीं भी आपकी स्ट्रेचिंग ना हो रही हो। ठीक है, ये पढ़ के बताइए क्या है और किस बारे में है, क्या हो रहा है इसमें। इसके अंदर उसने लिखा हुआ है DALLAS, डैलस। ठीक है, डैलस एक स्टेट है USA में, और वहाँ पे ये सिंपल कार शो टाइप हो रहा था। ठीक है, फिल्म सेंटर उन्होंने नीचे लिखा हुआ है जहाँ पे ये हो रहा है। इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे एक और पोस्टर था उसमें लिखा हुआ था कि कार शो, लेकिन खैर और उसी से रेलिवेंट फिर इन्होंने यहाँ पे जो ट्रक्स वगैरह कार्स वगैरह के ग्राफिक्स क्रिएट किए हैं। हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग ये चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन आप लोगों को फ्री पिक्स इस तरह के कार्टून्स मिल जाते हैं और इस तरह के अल्फाबेट्स मिल जाते हैं, अगर आप उनसे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, ख़ुद से भी क्रिएट करने हैं ये ग्राफिक्स, तो आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, पेन टूल के साथ आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत डिटेल्ड है, ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारे पास लेयर्स की चीज़ है, आप लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं डेप्थ क्रिएट करने के लिए, और लेयर्स का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा जो है वो रियलिस्टिक सी फील आ रही होती है ग्राफिक के अंदर। यहाँ कुछ एग्जांपल दी हुई है कि आप लेयर्स को यूज़ करके और डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चीज़ों को दिखाना चाहें तो उनको लेयर्स में दिखा सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है पोस्टर की, टेडएक्स का ये पोस्टर है, और उन्होंने उसमें जो करेक्टर्स हैं उनके या स्पीकर जो हैं उनको उन्होंने लेयर्स के अंदर रखा हुआ है। ये लेयर्स में कैसे रखा हुआ है ये मैं आज आपको करवा दूंगा, इसी तरह का मैं एक पोस्टर इसी से इंस्पायरेशन लेके
एक पोस्टर क्रिएट कर लेंगे जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये लेयर्स में किस तरह चीज़ों को रखा हुआ है, ये आधा पीछे है और आधा फ्रंट पे, तो कैसे बना हुआ है। उसके बाद आप ह्यूमर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी डिज़ाइन में कहता हूँ कि आप लोग जहाँ पे आपको लगता है कि ह्यूमर ऐड किया जा सकता है वहाँ पे ह्यूमर ज़रूर ऐड करें। इस तरह का हमने ये डिज़ाइन पहले भी देखा हुआ है, ठीक है, ये उन्होंने उसी तरह से पोस्टर डिज़ाइन किया है विद ह्यूमर, ठीक हो गया। उसके अलावा आपके पास बाइसिकल फिल्म फेस्टिवल का एक पोस्टर उन्होंने क्रिएट किया हुआ, उसके अंदर जो ग्राफिक है उसको अगर आप देखो, ठीक है, उसके अंदर बाइसाइकिल और फिल्म का जो प्रोजेक्टर होता है उन दोनों को मिक्सअप करके उसने एक पूरा जो है ग्राफिक क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो हम जैसे इंस्पायरेशन ले रहे हैं कि किस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और अगर आप इसका लोगो देखो तो कितने मज़े का, ठीक है, इसके लोगो को देखें साथ साथ, हमने लोगो डिज़ाइन भी पढ़ा हुआ है, तो उसके लोगो में देखें आपको ये जो फिल्म का था स्टाइल वो भी यूज़ हो रहा है, साथ में पैडल ऐड करके बाइसाइकिल और फिल्म को ऐड किया हुआ है और ये नेगेटिव स्पेस के अंदर बना हुआ है, तो ये कितना खूबसूरती से दोनों चीज़ों को क्रिएट किया है। और साथ में टेक्स्ट देखें किस तरह से तीनों वर्ड जो हैं वो इसी बॉक्स के साथ लिखे हुए, ताकि ये जो लोगो है वो जब भी छोटा बड़ा करें तो उसका जो ग्राफिक है वो इसके साथ 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 ही अरेंज हो, ठीक है, ओके। उसके अलावा आप लोग क्रिएटिव इलस्ट्रेशन यूज़ कर सकते हो। इसमें अगर देखें तो टेक्स्ट अगर देखें, इसमें उसने बताया हुआ है कि इलस्ट्रेशन को उसने किस तरह यूज़ किया कि यहाँ पर साइकिल है, ठीक है, और यहाँ पर उसने दो सिटीज़ के आउटलाइन को यूज़ किया हुआ कि आपकी दोनों सिटीज़ जो हैं वो आप साइकिल पे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि वहाँ पे एक बंदा बना होता है वो साइकिल चला रहा है और दोनों सिटीज़ में जा रहा है, उस चीज़ की बजाय उसने यहाँ पे दोनों सिटीज़ की आउटलाइन क्रिएट करके और उन्हीं कलर्स में उसने साइकिल क्रिएट की हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो पोस्टर है, अगर आप कोई ऐसी उसमें चीज़ ऐड कर सकते हो जिससे कोई इमोशन इवोक हो रहा है, कोई सैड है, कोई फ़नी है, कोई भी इस तरह की चीज़ आप ऐड कर सकते हो तो ज़रूर ऐड करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर आप देखो गौर से कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ये किस बारे में पोस्टर है, सो यहाँ पे बात हो रही थी कि आप किस तरह से इमोशन इवोक कर सकते हो। यहाँ पे एक्साइटमेंट क्रिएट हो रही है, आपके कलर्स वाइब्रेंट हैं इस तरह की, और जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है उसने यहाँ पे कहा कि 46 सर्कस एक्ट जो हैं वो 45 मिनट्स में होंगे, यानी कि एक एक्साइटमेंट बन रही है कितने कम टाइम में इतने ज़्यादा एक्ट्स कैसे होंगे। तो उस एक ओवरऑल स्टाइल को, उस ओवरऑल एक्साइटमेंट को क्रिएट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे सर्किस से रेलिवेंट जितने भी ग्राफिक्स थे या जो उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे उन्होंने ऐड किए हैं, ठीक हो गया। फिर उन्होंने इसी तरह से एक ग्लो नाइट का उन्होंने ओवरऑल पोस्टर क्रिएट किया हुआ, उस पोस्टर के लिए उन्होंने ग्रेडिएंट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर, बाकी नीचे सारी अलाइनमेंट वगैरह की हुई है, ठीक है। और म्यूज़िक का बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ, इसमें वेव्स वगैरह हैं, ये फ्रीपिक्स आपको मिल जाएगा, म्यूज़िक बैकग्राउंड सर्च करेंगे इस तरह के बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे, और सिर्फ जो देखने वाली चीज़ है वो बैकग्राउंड का कलर और फ्रंट का कलर है, ठीक है, क्योंकि वो ग्लो की बात हो रही है, नियॉन कलर्स यूज़ हो रहे हैं ताकि एक ओवरऑल जो एस्थेटिक है वो इस तरह क्रिएट हो। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग जो भी डिज़ाइन बनाओगे अपनी ऑडियंस के लिए बनाएं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमेशा पहले अपनी ऑडियंस को समझें कि उनका कल्चर क्या है, और फिर उसके बाद आप लोग उसके लिए डिज़ाइन क्रिएट करोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप मुझे इस पोस्टर को देख के बता सकते हो कि इसकी ऑडियंस कौन सी है, कौन है इसकी ऑडियंस, किसके लिए बनाया गया। बिल्कुल ऐसे यंग जनरेशन के लिए और बच्चों के लिए चीज़ बनाई गई है, ठीक है, और ये किसी स्कूल का कैंप फेयर है, ठीक है, 2012 का ये डिज़ाइन है और लिबर्टी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो उन्होंने इसी तरह के डिज़ाइन यूज़ किए हैं, ये सिंपल पेपर क्लिपिंग के साथ क्रिएट करके उसकी फ़ोटो ली हुई है, ये इलस्ट्रेशन नहीं है। तो चीज़ बताने वाली ये है कि यहाँ पे आपके डिज़ाइन को देख के पता चल रहा है कि इनकी ऑडियंस क्या हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा चीज़ों को खूबसूरत रखें, अगर आप कलर अच्छे यूज़ करेंगे, फॉन्ट अच्छे यूज़ करेंगे, चीज़ें खुद ब खुद खूबसूरत बनेंगी। यहाँ मैं एग्जांपल दिखा रहा था आपको, इसमें देखें तो उसने सिंपल एक पूल इमेज यूज़ किया हुआ है, कोई ग्राफिक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके अंदर सिंपल फॉन्ट यूज़ हुए हैं या आपको 1001 से मिल जाएंगे। इसके अलावा उसने वाइट स्पेस को बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, और आई एम श्योर कि आप लोग ये बड़ा इजीली ये पोस्टर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल टू द पॉइंट चीज़ है, कोई इसके अंदर क्लटर नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं बनाई हुई उसने, पूल का इमेज यूज़ किया और साथ में सारा टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स ऐड किए हैं कि आप एक ही कंटेंट को मल्टीपल डिज़ाइंस में क्रिएट कर सकते हो। अब ये चीज़ कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ये ना बनाना आता हो, इसमें कोई ऐसा ग्राफिक हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो आप में से कोई स्टूडेंट ना बना सकता हो तो मुझे बता दें, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो ये बड़ी इजीली चीज़ बन सकती है। अब इसी कंटेंट के साथ, इसी सारे टेक्स्ट के साथ आप एक और डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने एक और अप्रोच यूज़ की हुई है, डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट फॉन्ट के साथ, ठीक है। तो मेन चीज़ बताने वाली ये है कि आप डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई करते हो ताकि आपका जो बेस्ट स्टाइल है वो निकले, ठीक है।
अब इसी डिज़ाइन के साथ सॉरी इसी कंटेंट के साथ एक और डिज़ाइन क्रिएट किया गया सेम डिजिटल मार्केटिंग मीटअप का, ठीक है, इसको देखें ये भी चीज़ बन सकती है या नहीं बन सकती। ठीक है, ये चीज़ भी बन सकती है, बड़ा इजीली बना सकते हैं आप लोग। लास्ट वन लुकिंग मोर गुड, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इसमें थोड़ा मॉडर्न कलर यूज़ हुए हैं, मॉडर्न अप्रोच यूज़ हुई भी है, ठीक है। और उसके बाद एक और डिज़ाइन इसी स्टाइल के साथ, फॉन्ट्स थोड़े से चेंज किए हैं उसने, और मेरे ख्याल में जो पहला डिज़ाइन था इसके वाला, ये वाला, ये थोड़ा बेहतर है, ठीक है, थोड़ा मॉडर्न है, इसमें चीज़ें भी थोड़ी क्लियर हैं। इसमें ये कि सेरिफ फॉन्ट हम लोग इस तरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो वहाँ पे नॉर्मली सेंस सेरिफ यूज़ होता है, ठीक है। ओके जी, उसके अलावा ग्रंजी टाइप यूज़ कर सकते हैं। ग्रंजी टाइप किसको कहते हैं? ग्रंजी टाइप आपके जो स्क्रिप्ट फॉन्ट या ब्रश फॉन्ट्स होते हैं उसको ग्रंजी टाइप कहा जाता है, इस तरह के फॉन्ट्स को। अब मैं आपको ज़रा सिंपल पोस्टर्स दिखा रहा हूँ कि अगर आपसे कोई बहुत मुश्किल ग्राफिक्स नहीं बनते तो आप लोग वो बना सकते हो, कि जब भी आप लोग कोई इस तरह की टैगलाइन देखते हो या इस तरह कोई हेडिंग देखते हो तो उसको आप लोग सिंपल ब्रश फॉन्ट के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड पे आप सिंपल ओवरले लगा के तो उसको कंप्लीट कर लोगे। उसके अलावा आप ग्रिड यूज़ करेंगे, ठीक है, ग्रिड यूज़ करने से आपकी अलाइनमेंट अच्छी होती है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दी हुई है। ग्रिड अगर देखें तो यहाँ पे उसने ग्रिड यानी गाइड्स क्रिएट करके तो इस डॉलर साइन को उसने नीचे तक सारों के साथ अलाइन किया हुआ है, और ये जो उसकी हेडिंग है ये बॉटम तक यहाँ तक सारों के साथ अलाइन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये वाला गैप देखें और ये वाला गैप देखें तो ये भी सेम है, और बिल्कुल सेंटर में उसने दो सेक्शन क्रिएट किए हैं, दो कॉलम क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो मेन समझने वाली बात सिर्फ ये है कि इसके अंदर किस तरह से उसने चीज़ों को अलाइन किया हुआ है। अगर हम देखें तो इसका ऐसा किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं नज़र आती, लेकिन फ़ौरन से गौर करें तो यहाँ पे सेम स्पेस है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जब भी चीज़ें क्रिएट करें उनको आपस में अलाइन करें। उसके बाद आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप कम्प्लेक्स डिज़ाइन पर नहीं जा रहे, आप सिंपल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, इस तरह के बीबस फॉन्ट वगैरह यूज़ करके आप लोग एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में उसके उसने ब्लैक एंड वाइट एक सिंपल फ़ोटो यूज़ की हुई है, ठीक है। सेम उस तरह से यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के साथ इसको क्रिएट किया हुआ है, ठीक है जी। तो लास्ट में याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि पीपल इग्नोर डिज़ाइन डेट इग्नोर पीपल। अगर आप अपनी ऑडियंस को इग्नोर कर दोगे, अपने लिए डिज़ाइन सिर्फ क्रिएट करोगे कि ये प्यारा लग रहा है, तो फिर क्या होगा कि वो सिर्फ आपको अच्छा लगेगा और वो किसी को भी डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, कोशिश करो कि आपके माइंड में अपनी ऑडियंस हो, और फिर आप उसी के लिए कलर्स यूज़ करो, क्योंकि आपने चीज़ उसको समझानी है, उसको बतानी है, ठीक है। जो भी आप लोग डिज़ाइन यूज़ करोगे, जो भी डिज़ाइन क्रिएट करोगे, उसको कोशिश करें कि आप लोग अपनी ऑडियंस के लिहाज से क्रिएट करें, ठीक है जी। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट जो चीज़ है डिज़ाइन चैलेंज इस वीक का, आप लोगों का जो है उसको थोड़ा सा समझ लें कि कैसे करना है, क्या करना है, और ये भी काफ़ी अच्छा है, और साथ साथ आपको मैं बाकी भी चीज़ें ऐड करता जाऊँगा। इस वीक में आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि आप लोगों ने 3 A4 पोस्टर डिज़ाइन करने हैं COVID-19 की अवेयरनेस कैंपेन के लिए पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान हमारी ऑडियंस है, पाकिस्तान को ही हमने लेके चलना है साथ, और क्या करना है कि अवेयरनेस कैंपेन के पोस्टर क्रिएट करने हैं, कि बताना है कि कोविड क्या चीज़ है और इससे कैसे बचा जा सकता है, सिम्टम्स क्या हैं इसके, और इसके अलावा आप लोगों के क्योर किस तरह हो सकता है, इसको बचा कैसे जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है उससे रिलेवेंट आप लोग इसके पोस्टर क्रिएट करोगे, ठीक है। मैं सैंपल भी दिखा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ मैंने थोड़ी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो इलस्ट्रेशन वगैरह आपको फ्री पिक से मिल जाएंगी इस तरह की, और ये दोनों सेम ब्रांड से ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का लोगो यूज़ किया हुआ है। आप पाकिस्तान गवर्नमेंट का लोगो ना यूज़ करें, कोई इतना इशू नहीं है। बाकी नीचे आप लोग लिख सकते हैं covid.org या WHO का आप कॉल टू एक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो सेम स्टाइल यूज़ हो रहा है, लेकिन कलर थोड़े से डिफरेंट है, फॉन्ट सेम है दोनों के। हर बच्चा जो है अपनी थीम क्रिएट कर रहा होगा। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, यानी कि आप सबका टॉपिक सेम है, लेकिन आप लोगों के जो हर बच्चा है वो अपने फॉन्ट यूज़ कर रहा होगा, अपने कलर यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन उसके जो तीनों पोस्टर होंगे उन तीनों में कॉन्टेंट डिफरेंट होगा। एक में आप हो सकते हैं सिम्टम बता रहे हो, ठीक है, एक में आप बता रहे हो कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस रख के, हाथ धो के, इस तरह से। एक में आपको फैक्ट्स बता सकते हो कि कौन कौन से ममालिक जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये कोविड हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अगर हम देखें पोस्टर, तो इसके अंदर उसने बताया हुआ कि वाटर कितना ज़रूरी है, ठीक है, पानी जो है दुनिया से कम हो रहा है, तो उससे रेलिवेंट पोस्टर हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह के अवेयरनेस जो पोस्टर्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर उसने थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है इसका, ये देखें, ठीक है, वाटर क्राइसिस रेलिवेंट है,
तो उसने बताया हुआ कि जो वाटर क्राइसिस है वॉर की तरह ही होते हैं, कि वो एक तरह का हम पे बम गिर रहा है, ठीक है, वो एक चीज़ ने यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, ये प्लास्टिक से रेलिवेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अब ये किस तरह से उन्होंने ग्राफिक क्रिएट किया है, फिश से रेलिवेंट यानी मेरीन लाइफ जो होती है उससे रेलिवेंट क्रिएट किया हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो उसने पहले फिश का आइकन रखा है और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें प्लेस की हैं, ठीक है, जो यहाँ पे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद फिर उसने फिश का आइकन जो था वो रिमूव कर दिया, तो बाकी जो यहाँ पे चीज़ें प्लेस की थी उनकी फ़िश की शेप क्रिएट होगी। ठीक है, किसी को समझ आ गई है कि कैसे क्रिएट हुआ या नहीं? ठीक है, सिंपल उसने यहाँ पे जो शेप है वो सिंपल यहाँ पे उसने क्रिएट की हुई है, फिश का आइकन रख के उसके ऊपर सारी चीज़ें प्लेस की हुई हैं। अच्छा, इसके बाद इसको देखें तो ये वाटर राइजिंग से रेलिवेंट है। ठीक है, आपका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसके अंदर दिखाया हुआ है तमाम ईयर्स के साथ साथ कि किस किस तरह वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जस्ट उन्होंने ब्लू कलर शो किया वाटर के लिए। अच्छा जी, सो यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर उसने ग्राफिक दिखाया हुआ है और साथ में फैक्ट लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, अच्छा जी, डॉल्फिन वाले के अंदर सिंपल हम लोगों ने ग्राफिक के ऊपर आइकन्स प्लेस किए थे, उसके बाद यहाँ पे एक वाटर राइजिंग से रेलिवेंट उसने सिंपल डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर वाटर राइजिंग का बता रहे हैं कि टाइम के साथ साथ जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, और उसी तरह से साथ साथ उसने हर साल का बताया हुआ है कि किस किस किस्म से किस किस तरह हमारा वाटर लेवल जो अफेक्ट हो रहा है। 2000 में यहाँ पे था और 2000 या आई गेस 2095 है यहाँ पे। ठीक है, तो तब तक इतना इंक्रीज़ हो गया, ठीक हो गया। यानी जैसे बताने का पर्पज़ ये है कि आपके अवेयरनेस कैंपेन के जो पोस्टर होते हैं वो कितने क्लियर होते हैं और उसमें किस तरह से एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा होता है। ठीक है, इसमें भी सेम उसी तरह से एक फैक्ट लिखा हुआ है उसने इसके साथ साथ, ये है। ठीक है, वाटर इज़ लाइफ, डोंट वेस्ट इट, उसी से रिलेवेंट उसने ग्राफिक क्रिएट किया हुआ है। ये जी बिहेंस का पोर्टफोलियो है एक स्टूडेंट का, उसने COVID-19 अवेयरनेस कैंपेन की है पाकिस्तान के लिए, ये उसका पहला पोस्टर है। ठीक है, जिसके अंदर उसने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे हैशटैग यूज़ किया हुआ है, दो पर्सन है। ठीक है, फ्री पिक्स से आपको इस तरह ग्राफिक्स मिल जाएंगे, डूज एंड डोंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से आप लोग क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे एक और आपके पास है, अब इसमें इशू ये है कि ये पोस्टर बिल्कुल डिफरेंट है और ये पोस्टर बिल्कुल डिफरेंट है। डिज़ाइन के इतने इशू नहीं है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी नहीं क्रिएट हो रही, तो कोशिश करें कि चीज़ों को कंसिस्टेंट रखें। ठीक है, इसमें इसने बताया हुआ है कैसे आप इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने हाथ धो के टावल वगैरह यूज़ कैसे करना है और कैसे सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करेंगे। उसी तरह से कोर डिज़ाइन है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये इलस्ट्रेशन वगैरह जो है आपको फ्री पिक से मिल जाएंगी। मेन जो चीज़ है वो अलाइनमेंट है, कलर कम्बिनेशन है, और मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ उसी किस तरह प्रेजेंट किया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, सिंपल पोस्टर यहाँ पे उसने ऐड किया है। उसके अलावा एक और स्टूडेंट का काम है, ये देखें सिंपल डिज़ाइंस, कोई ऐसे जिसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आपको आइकन्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने इसी तरह से ग्राफिक्स यूज़ किए हैं कि आप किस तरह बच सकते हैं कोविड से। ठीक है, इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है और फॉन्ट भी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो कोशिश ये करें कि टेक्स्ट को इतना ज़्यादा ना रखें कि वो पढ़ना मुश्किल हो जाए, डिसेंट टेक्स्ट यूज़ करें जैसे इसमें है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ ना करें। उसके अलावा ये मेरा फेवरेट है, इसमें उसने बहुत अच्छे से काम किया, मैंने तीन का कहा था स्टूडेंट ने, देखेंगे तो आप लोग कितने हैं, एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पोस्टर क्रिएट किए हैं। ठीक है, और ये उसको प्रेजेंट किया मॉकअप के अंदर। ठीक है, तमाम जो पोस्टर्स हैं वो सारे कंसिस्टेंट हैं आपस में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उन्होंने दिखाया हुआ कि हमें स्ट्रांग रहना है कोविड से लड़ने के लिए। ठीक है, ये देखें घर पे रहें सिंपल। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। अब ये तमाम जो है उनकी थीम सेम है, ठीक है, मैसेज समा तमाम में डिफरेंट आ रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक थीम के अंदर काम करें। ओके जी, अच्छा ये एक और देख लें यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने तीन पोस्टर क्रिएट किए हुए हैं, पाकिस्तान को उन्होंने इस तरह से शील्ड पहनाई हुई है, उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने सैनिटाइज़र का बताया हुआ, घर पे रहेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। ठीक है, तो तमाम जो हैं उनमें सेम स्टाइल यूज़ हो रहा है, जस्ट कलर डिफरेंट है। उसके अलावा ये देखें,
ठीक है, उन्होंने एक पोस्टर के अंदर तमाम आपको चीज़ें बताई हैं कि आप किस तरह बच सकते हैं, ठीक है, स्प्रेड कैसे रुका जा सकता है। उसके अलावा स्ट्रेस बताया मैं आपको, ठीक है। अब इनमें डिज़ाइन बहुत अच्छे बने हुए हैं सारे, लेकिन इशू सिर्फ इसमें यह है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तमाम के जो ओवरऑल कलरिंग है या फॉन्ट्स हैं वो सबके डिफरेंट आ रहे हैं। उसके अलावा एक और स्टूडेंट ने यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट किए हैं, अब इन्होंने अपनी एक थीम क्रिएट की है, ठीक है। अब इसमें गलती यहाँ पे ये हुई है कि ट्रिब्यूट टू इन्होंने लिखना था, अकेला टी अलग सा अलग अजीब सा लग रहा है, तो ये ट्रिब्यूट टू आवर फ्रंट लाइन हीरोज लिखना था, तो वो टू को उन्होंने ओ इस तरह से क्रिएट किया, तो इतना वो क्लियर नहीं है। इसके अलावा एक और स्टूडेंट के ये तीन पोस्टर्स हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा इसलिए हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस हद तक चीज़ क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। इधर वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया हुआ है, उसके अलावा इन्होंने स्टे होम और प्रिवेंशन सिम्टम्स के बारे में बताया है। ये स्टूडेंट ने बड़ी बोल्ड थीम क्रिएट की थी, ठीक है, इसमें डार्क ब्लू और येलो का कम्बिनेशन उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है, ये देखें। अब इसमें टाइपोग्राफी थोड़ी सी वीक है, इसको थोड़ा सा बेहतर लिखा जा सकता था, ये बहुत बिखरी हुई है, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये हर बच्चा जो है वो अपने स्टाइल क्रिएट करता है, हर बंदा अपनी थीम क्रिएट कर रहा होता है। ओके, लास्ट वन, उसके बाद फिर हम अपना एक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं। ये देखें, ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस हैं, उसी तरह से ये वैसे इमेज ऐड किया हुआ, ये ग्राफिक है उनका, ठीक है। मेडिकल मास्क, डोंट वियर लूज मास्क, और ये वो किस तरह से अपना मास्क को वियर करना है, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, ठीक है। तो फैब्रिक मास्क को किस तरह पहनना है, किस तरह यूज़ करना, उसका बताया हुआ है। तो ये सिंपल उनके तीन पोस्टर हैं, तो कोशिश ये करें कि आप लोग भी इसी तरह की थीम क्रिएट करके चीज़ क्रिएट करेंगे। सो सिंपल, यहाँ से A4 साइज़ में मैं आर्ट बोर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। आर्ट बोर्ड क्रिएट करना आपको आता है A4 साइज़ के अंदर, सिंपल। और हम यहाँ से थोड़ा सा जो है किसी सेल का पोस्टर क्रिएट करूँगा मैं। इसके लिए कलर्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये वाला कलर पैलेट यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले कलर पैलेट जो है मैं ले जाता हूँ अपने डिज़ाइन में, एक दो तीन और चार, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके और इसके कलर्स पिक कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये कलर थोड़ा सा मज़ीद डार्क होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और लाइट कर लें। परफेक्ट। अच्छा, सो हम लोगों ने यहाँ पे अपने जो कलर्स थे वो साइड पे कर लिए हैं। थोड़ी सी मैं स्पीड तेज़ रखता हूँ आजकल, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को अभी टूल्स वगैरह यूज़ करने आ गए हैं, तो छोटी छोटी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं कि अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से ये कर रहा हूँ या सिलेक्शन से ये कर रहा हूँ, ठीक है। स्टिल अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो बता दीजिएगा। ओके, सो सिंपल, हम लोग यहाँ पे अभी बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। ये भी कलर मुझे थोड़ा सा लाइट करना होगा, बहुत डार्क कलर है, इसको तो तकरीबन इतना कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इसी का मैं कॉपी क्रिएट करके बैकग्राउंड पे ऐड कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे टॉप पे सा कोई भी लोगो क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ जी नेक्स्ट, इसके फॉन्ट चेंज कर लें, यहाँ पे इसको हम दे देते हैं ठीक हो गया। ये हम सेल पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं, कोई समर सेल है किसी ब्रांड की, उसके लिए क्रिएट करें, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, उसके अलावा आप लोग यहाँ पे अब ये जो हमने शेप देखी थी, ये स्टाइल है, पहले ये क्रिएट करते हैं। ये बहुत आसान है क्रिएट करना, देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कैसे क्रिएट हुआ है, कटिंग कैसे आई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, आप लोग इस तरह से पहले एक साइड पर आके यहाँ पर इस तरह की एक शेप बनाओगे,
तकरीबन इतना रेक्टेंगल, ठीक है, और कलर इसका कोई भी कर लो फिलहाल, ठीक है। और इसको शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके इस तरह रोटेट करेंगे, उसे थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा कर लें तकरीबन इतना, ठीक है, ताकि 45 के एंगल के ऊपर रोटेट हो जाए। और इसके अंदर फ़िलहाल मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ, ग्रेडियंट के लिए मैं यहाँ से एक साइड ये और दूसरी साइड ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसी कॉपी क्रिएट करनी है और राइट क्लिक करके इसको आप लोगों ने रिफ्लेक्ट कर लेना, ठीक है, इस तरह से, और इन दोनों को इस तरह से क्रॉस में एक दूसरे के सेंटर में ले आओगे, ठीक होगी। यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। तकरीबन हम लोगों ने क्रॉस क्रिएट कर लिया उसी तरह का। इसके अंदर फ़िलहाल हम या तो कलर बिल्कुल सेम रख लेते हैं इस तरह, ठीक हो गया। मुझे इसकी विड्थ से थोड़ा सा इशू है, इसकी विड्थ कम लग रही है मुझे, इन दोनों की विड्थ हम सेम कर लेते हैं। नहीं, ये उसमें स्क्वायर में आ गए, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी करूँ ताकि हमारी विड्थ सेम हो दोनों की, ठीक है, दोनों को सेंटर में कर लिया, ठीक है। सिंपल दो क्रॉस क्रिएट किए मैंने, विड्थ ज़्यादा की इन दोनों की, दो क्रॉस क्रिएट, सिंपल एक क्रॉस क्रिएट किया और उस क्रॉस को मैं यहाँ ला के सेंटर में प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, अलाइन में जाके आर्टबोर्ड के सेंटर में आ गया, परफेक्ट हो गया। इसको दूसरे कलर में भी ट्राई कर लेते हैं, जो कलर इस पर ज़्यादा क्लियर है। इसको भी ब्लू का ही शेड देते हैं, ठीक हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमने यहाँ पे इमेज ऐड करना है। मैंने इमेज यहाँ पे रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट इमेज है, ठीक है, पर्सन का बैकग्राउंड रिमूव करके और इसको इस तरह से हम लोग लगाएंगे। ये अच्छी बात है कि इसकी शर्ट के साथ ये कलर मैच हो गया जो हमारे थीम का है, जिसकी वजह से वो बेहतर लगेगा। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ एम्बेड, ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक हो गया। अब मेन चीज़ ये कि इसको यहाँ से कट करना है हमने, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे करता हूँ क्योंकि हमारी स्पेस ठीक हो गई है। और ये जो जगह है आपकी, इसके लिए आपने यहाँ पे पेन टूल यूज़ करना है और इतना एरिया आपने ट्राइंगल से कवर कर देना है, उसका कलर ये वाला। वापस लाएं अपने इमेज को, यहाँ ला के प्लेस करें और इस तरह से आपका जो इमेज था वो उसकी बैक पे चला गया और एक लेयर क्रिएट हो गई है। लेमन कलर बैकग्राउंड में सूट कर रहा है, हम लेमन में चेंज कर लेते हैं इसको, जैसे कहेंगे कोई मसला नहीं है। एक सेकेंड, इसी से ये आ जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, और सेम इसको भी इसी कलर में ले आएंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ हम लोगों ने जो लेयर वाली थी वो इस तरह से क्रिएट होगी। आप चाहें तो इनमें ग्रेडिएंट अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला, ये इस तरह से ग्रेडिएंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक हो गया। अभी इस ग्राफिक को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको मैं कंट्रोल टू प्रेस करके जो बैकग्राउंड है उसको लॉक कर रहा हूँ और ये जो सारी चीज़ है ये ग्रुप करके थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मैं नाम मुझे थोड़ा सा नेक्स्ट अजीब सा लग रहा नाम, खैर, अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे टेक्स्ट ले आएंगे थोड़ा सा जी। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको चीज़ आसान करके बताऊँ ताकि आप लोग बना सकें। अच्छा जी, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं मेक योर और बस फॉन्ट, या बल्कि इसको हम लोग प्ले फेयर में ही रहने देते हैं, और यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं, इस जस्ट रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसका कोई टेक्स्ट का बहुत कोई मतलब नहीं होगा, इसके लिए जज ना कीजिएगा कि क्या टैग लाइन है। जस्ट मैं आप लोगों को एक आईडिया देने के लिए कि पोस्टर कैसे क्रिएट होगा उसका थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक हो गया। और थोड़ा सा इसको और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे ब्लैक स्ट्रोक ऐड कर लेते हैं, इसको मैं आउटलाइन करूं,
ताकि ये अलाइन हो सके इसके साथ, अलाइन सिलेक्शन, और ठीक हो गया। ठीक है जी, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी बटन ऐड कर दें, लेट्स से इसके साथ ऐड कर लेते हैं इस तरह से, और कलर हम कर लेते हैं ये वाला। इसमें ठीक हो गया, और यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर दें। कलर इसका, सॉरी फॉन्ट चेंज करेंगे इसका हम लोग, अलाइन टू सिलेक्शन, और मिड में अलाइन होगा ये इस तरह से। ठीक है जी, और एक एरो ऐड कर दें इसके अंदर, बल्कि इसी को क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, और ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। और इसको हम लोग कर लेंगे जी रोटेट करना 45 के एंगल पे, और इसको रिफ्लेक्ट कर लें इस तरह से, और इसको छोटा कर लें। और पहले आप इन सारों की राउंड कर लें, ठीक हो गया। और इसी की कॉपी क्रिएट करें इस तरह से, और इसको भी रिफ्लेक्ट कर लें। इन दोनों को अलाइन कर लें राइट साइड पे, तीनों को अलाइन कर लें। ठीक है जी, और इसको आप ग्रुप कर लें। नॉर्मली आपको ये फ्री पिक से, सॉरी फ्लैट आइकन से बना बनाया मिल जाएगा आइकन, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको यूज़ कर सकें किस तरह बनाते हैं। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने शॉप नाउ का बटन ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और टैग ऐड कर लेते हैं, लेट्स से नेक्स्ट, सॉरी इसी को यहाँ पे कॉपी करें, ये टाइप आएगी बिल्कुल लोअर केस के अंदर। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ से छोटा कर लेंगे, और इसको अलाइन कर लें बिल्कुल सेंटर में। शॉप नेक्स्ट कर लेते हैं, या नेक्स्ट स्टोर, बहुत छोटा उनका यूएल बन जाता है। ठीक हो गया, अच्छा इसको मैं साथ साथ सेव भी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर लेते हैं इसे। ठीक हो गया, अब इसके अंदर किसी हद तक ये ठीक है, लेकिन स्टिल हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्री पिक से एक ग्राफिक रखा हुआ है, लेके इसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं, ये मैं क्लिपिंग मास्क हटा रहा हूँ, ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, आप डिज़ाइन एलिमेंट सर्च करोगे तो आपको इस तरह के मल्टीपल एलिमेंट्स बने बनाए मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर हम थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर सकें। अभी बहुत खाली खाली सा है, इसमें से हम ये कलर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और एक ये वाला इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, और इसका भी कलर हम यहाँ से चेंज करते जाएंगे। और एक ग्राफिक हम और ले आते हैं, लेट्स से ये वाला, इसकी तीन लाइंस ले आते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, और इसका कलर हम रख लेते हैं ये वाला। ठीक हो गया, तो ये आपके ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो किस हद तक कंप्लीट हो गया है। और आप लोग अगर इसको यहाँ से चाहें तो इस पर बॉक्स क्रिएट करके इन सब को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मेक क्लिपिंग मास्क, तो ये बाहर वाली चीज़ें सारी डिलीट हो जाएंगी। यहाँ तक कस्टमर तो बता दें,
आई होप यहाँ तक आप लोगों को पोस्टर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं। कोशिश करें कि ग्राफिक को इस तरह का यूज़ करें कि जिसमें थोड़ी सी पावर हो, थोड़ा सा आपको आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट कर, और बाकी आप टेक्स्ट वगैरह अच्छे से ऐड करना आपको आता है। ठीक है, ओके जी, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे। इंशाल्लाह फिर कल हम नई चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।